हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल माइक्रोबायोलॉजी बाय संतोष नपते। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि इस यूट्यूब चैनल पे मैं माइक्रोबायोलॉजी रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता हूँ। उसके बाद जो भी जॉब वैकेंसीज निकलती है उसके बारे में भी मैं यहाँ पे बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं। अलॉन्ग विद दैट आई हैव ऑल्सो अपलोडेड वीडियोज रिगार्डिंग दी रेज्यूम राइटिंग। So friends, if you are a microbiology or biotechnology students, if you are new to this YouTube channel, or if you are a job seekers in microbiology, biotechnology, pharmacy or food technology, then don't forget to subscribe this Microbiology by Santosh Napte YouTube channel, so that after subscription you will get notifications regarding the upcoming videos. So friends, आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देने वाला हूँ। जैसे कि जो भी जॉब सीकर्स है, चाहे वो माइक्रोबायोलॉजी रिलेटेड फील्ड से हो, चाहे वो फूड इंडस्ट्री रिलेटेड फील्ड से हो, चाहे वो फार्मेसी स्टूडेंट्स हो, चाहे वो एग्रीकल्चरल स्टूडेंट्स हो, और चाहे वो बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स हो, तो ये स्टूडेंट्स या जॉब सीकर्स जब कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो अप्लाई करने के बाद डेफिनेटली आपकी जो एक्सपेक्टेशंस रहेंगे कि चलो उस पर्टिकुलर कंपनी में मैंने अप्लाई किया है तो वहाँ से कम इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा या फिर कोई ना कोई रिप्लाई वहाँ पे आएगा। लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसे होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, जॉब सीकर्स ने भी मुझे बताया है कि मैंने बहुत सारे कंपनीज में, इंडस्ट्रीज में, या फिर रिसर्च लेबॉरेटरीज में, पैथोलॉजी लैब में और अलग अलग जगह पर अप्लाई तो किया है, लेकिन इतने एप्लीकेशंस भेजने के बाद भी, रिज्यूम भेजने के बाद भी मुझे एक भी कंपनी से अभी तक रिप्लाई नहीं आया। तो फ्रेंड्स, ये बहुत सारे जॉब सीकर्स के बारे में होता है, तो इसके पीछे कई रीजंस है, तो उसी रीजंस के बारे में मैं आज आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बताने वाला हूँ कि आपने रिज्यूम भेजने के बाद हर एक जगह पे आप रिज्यूम भेजते हो, जो भी एडवर्टाइजमेंट और ऐड आपको दिखती है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप उस मेल आईडी पे या फिर जो भी उन्होंने बताया है तो आप वहाँ पे रिज्यूम आपका भेज देते हो, लेकिन फिर भी कहीं जगह से आपको रिप्लाई नहीं आता, इवन अ सिंगल कॉल और नॉट अ कॉल फॉर ए इंटरव्यू, मतलब इसमें से कुछ भी आपके बारे में नहीं होता है, तो इसके रीजंस है। तो वो जो रीजंस है उसी के बारे में मैं आज आपको इन्फॉर्मेशन, कि जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन है, कंपनी को जो भी कैंडिडेट चाहिए उसके अकॉर्डिंगली आपका क्वालिफिकेशन या आपका एक्सपीरियंस वहाँ पे नहीं होता है। तो हम जनरली क्या कहते हैं कि हमें जस्ट वी आर इन सर्चिंग ऑफ जॉब, तो जब भी हम कोई ऐड देखते हैं तो एक तो वहाँ पे उन्होंने जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है कि आपको ये स्किल्स आपके होनी चाहिए, आपको इतना इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, और अगर हम वहाँ पे फ्रेशर्स हैं तो भी हम वहाँ पे अप्लाई करते हैं। अप्लाई करना ये कोई बुरी बात नहीं है, जहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो आप बिल्कुल अप्लाई कीजिए, लेकिन बाद में ये भी हमें सोचना चाहिए कि यहाँ पे एक्सपीरियंस कैंडिडेट चाहिए था और उसके बाद भी मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है, तो डेफिनेटली दे विल नॉट रिप्लाई टू योर रेज्यूम, आपके रेज्यूम के बारे में या फिर आपके रेज्यूम को वो रिप्लाई वहाँ पे नहीं देंगे। तो ये हमें समझ लेना चाहिए कि इस पर्टिकुलर कंपनी में कि जब ऐड आई थी तो उन्हें ऐसा ऐसा कैंडिडेट चाहिए था, लेकिन वो क्वालिफिकेशन, वो एक्सपीरियंस या पर्टिकुलर वो स्किल्स मुझ में नहीं है, फिर भी मैंने वहाँ पे अप्लाई किया है, हो सकता है इसी वजह से मुझे वहाँ से रिप्लाई नहीं आया, तो ये एक रीज़न हो गया। उसके बाद जो है कि आपका जो भी रेज्यूम है वो आपको टेलर करना चाहिए। टेलर करना चाहिए इसका मतलब है कि आप जब कोई पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो उस पोस्ट की जो भी ऐड आती है उसमें जॉब डिस्क्रिप्शन होता है और आपके पास भी कई स्किल्स उसमें से होते हैं, तो उस वक्त आपका जो भी रेज्यूम है उस रेज्यूम को आपको टेलर करना है, एडिट करना है। इसका मतलब है कि जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंगली और जॉब पोस्ट के अकॉर्डिंगली आपको आपका रेज्यूम एडिट करके उस पर्टिकुलर मेल पे आपको भेजना है।
ताकि हो सकता है कि आपका रिज्यूम वहाँ पे शॉर्टलिस्ट हो जाए और बाद में आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाए। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता है कि पोस्ट के अकॉर्डिंगली आप रिज्यूम, एक जनरल रिज्यूम आप रखते हो और उसी रिज्यूम को हर एक पोस्ट के लिए वहाँ पे आप फॉरवर्ड करते हो या फिर भेज देते हो या मेल करते हो, तो उस वक्त पॉसिबिलिटी है कि जॉब के अकॉर्डिंगली आपने आपका रिज्यूम टेलर नहीं किया, एडिट नहीं किया, इसीलिए आपको वहाँ पे रिप्लाई नहीं आया या फिर आपका रिज्यूम वहाँ पे शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ, तो ये भी एक रीज़न है। उसके बाद है कि आपने कुछ इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं किए हो, मतलब कि जब भी कोई एडवर्टाइजमेंट या फिर ऐड आती है जॉब के लिए तो उसमें लिखा होता है कि आपका जो भी रिज्यूम है आप उसे पीडीएफ फॉर्मेट में भेजिए, उसके बाद उसके साथ कवर लेटर भेजिए, एप्लीकेशन लेटर भेजिए। और अगर आपने ये नहीं किया है कि इंस्टेड ऑफ सेंडिंग योर रिज्यूम इन पीडीएफ फॉर्मेट, इफ यू आर सेंडिंग दैट रिज्यूम इन वर्ड फॉर्मेट एंड इफ यू आर नॉट अटैच योर कवर लेटर और एप्लीकेशन लेटर, देन डेफिनेटली योर रिज्यूम विल नॉट बी सिलेक्टेड फॉर दैट पर्टिकुलर इंटरव्यू और फॉर द पोस्ट। और सिलेक्ट नहीं किया है, शॉर्टलिस्ट नहीं किया है, तो आपको वहाँ पे उनका रिप्लाई नहीं आएगा। तो इसीलिए ध्यान में ये भी रखना है कि जो भी इंस्ट्रक्शंस उन्होंने दिए हैं वो इंस्ट्रक्शंस आपको पूरे के पूरे फॉलो करना है। ओके, तो ये एक रीज़न है। उसके बाद है कि वहाँ पे जब कोई पोस्ट वहाँ पे होती है, एड वहाँ पे आते हैं कंपनी से, तो डेफिनेटली बहुत सारे एप्लीकेशंस, बहुत सारे रिज्यूम्स उस हायरिंग मैनेजर को या फिर हायरिंग पर्सन को वहाँ पे मिलते होंगे। तो इतने सारे रिज्यूम्स देखना और हर एक को रिप्लाई करना ये उस पर्सन के लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए बहुत सारी कंपनियाँ अभी एंटी, दैट इज एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो ये एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम में कुछ कीवर्ड्स वहाँ पे फीड किए होते हैं जिसकी सहायता से ये एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर उस पर्टिकुलर कीज को लेके रिज्यूम वहाँ पे शॉर्टलिस्ट करता है। और अगर आपका रिज्यूम कीवर्ड्स से नहीं है तो दैट कीवर्ड्स यू हैव टू इंक्लूड इन योर रिज्यूम। तो इसीलिए जब आपके कीवर्ड्स आपके रिज्यूम में है जॉब के अकॉर्डिंगली, और जब ये कीवर्ड्स या फिर आपका रिज्यूम एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम में जब वहाँ पे फीड हो जाएगा, अगर वो कीवर्ड्स इस सॉफ्टवेयर को वहाँ पे मिल जाएंगे आपके रिज्यूम में, तो आपका रिज्यूम वहाँ पे ऑटोमेटिकली शॉर्टलिस्ट हो जाएगा। तो ये भी, और बाद में आपको डेफिनेटली आपको रिप्लाई वहाँ पे आ जाएगा, चाहे वो जॉब के लिए हो चाहे वो इंटरव्यू के लिए हो। तो ये इसी अकॉर्डिंगली आपको ये भी एक रीज़न है कि आपने कीवर्ड्स वहाँ पे इंक्लूड नहीं किए हैं जॉब के अकॉर्डिंगली, आपका रिज्यूम आपने एडिट नहीं किया है जॉब के अकॉर्डिंगली, तो एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम से आपका रिज्यूम वहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा और आपको रिप्लाई वहाँ पे नहीं आएगा। तो ये अलग अलग रीजंस हैं कि आपका रिज्यूम वहाँ पे क्यों रिजेक्ट हो सकता है या फिर आपको रिप्लाई क्यों नहीं आ सकता है। लेकिन अगर आपको इतने एप्लीकेशन करने के बाद, इतनी अलग अलग कंपनियों में आपने रिज्यूम सेंड करने के बाद भी अगर आपको कोई रिप्लाई नहीं आया है, तो बिल्कुल आपने नर्वस नहीं होना है। यू हैव टू कीप अप्लाइंग फॉर द डिफरेंट पोस्ट फ्रॉम डिफरेंट इंडस्ट्रीज और डिफरेंट कंपनीज। ये जो आपका जो सिलसिला है एप्लीकेशन करने का, जब तक जॉब नहीं मिलती, ये आपको कंटिन्यू रखना है। और कुछ चेंजेस आपको करने हैं, जैसे कि अभी इसके अकॉर्डिंगली अगर आप कर रहे हो कि चलो इंस्ट्रक्शंस उन्होंने ये दिए, तो स्ट्रिक्टली फॉलो दैट ऑल इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करना है। अगर उन्होंने रिज्यूम आपका पीडीएफ फॉर्मेट में मांगा, इफ दे आर डिमांडिंग योर रिज्यूम इन पीडीएफ फॉर्मेट, देन सेंड योर रिज्यूम ओनली इन पीडीएफ फॉर्मेट, डोंट सेंड इट इन वर्ड फॉर्मेट। अगर उन्होंने कवरिंग लेटर मांगा है तो भी आप कवरिंग लेटर आप ये फॉलो कीजिए। तो अगर उसके बाद जॉब के अकॉर्डिंगली आपका रिज्यूम आप एडिट कीजिए, तो हो सकता है कि इतना कुछ करने के बाद आपको रिप्लाई आ सकता है या फिर आपका रिज्यूम वहाँ पे शॉर्टलिस्ट होके आपको इंटरव्यू कॉल वहाँ पे आ सकता है और बाद में आपका सिलेक्शन भी वहाँ पे हो सकता है। क्योंकि रिज्यूम सिलेक्ट होना, रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होना, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि यही एक कम्युनिकेटर है आपके और कंपनी के बीच में। तो इसीलिए आपका रिज्यूम उसी तरह से होना चाहिए, जॉब के अकॉर्डिंगली होना चाहिए, और उन्होंने जो भी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने को बोला है उस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। फ्रेंड्स, डेफिनेटली ये वीडियो आपको पसंद आया होगा,
अगर पसंद आया तो आपके फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, एंड अगर आपने ये यूट्यूब चैनल माइक्रोबायोलॉजी बाय संतोष नपते सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।